हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ स्टडी एक्सप्रेस एंड एंटरटेनमेंट। सो मैं हूँ आकांक्षा और सर ठंडी आ गई है, और अगर आपने ठंडी में गाजर का हलवा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, सो लेट्स गो। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए देसी घी 5 to 6 टेबलस्पून, और इसके बाद हमें चाहिए मावा 1 बाउल, और मेन इंग्रेडिएंट है हमारा गाजर। सो गाजर 1 केजी यहाँ पे मैंने लिया है, इसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है, और यहाँ पे 2 ग्लास मिल्क लगेगा, सो वो ले लेंगे। और मैंने यहाँ पे काजू लिया है 1 बाउल, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। सो अब सबसे पहले हमें कढ़ाई को गरम करने के लिए रखना है, और जैसे ही ये कढ़ाई गरम हो जाएगी हम इसमें घी ऐड करेंगे, और जब ये घी अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें ग्रेटेड कैरेट को ऐड करेंगे। इसे लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है, और इसे हमें 15 मिनट्स तक इसे ढक के अच्छे से पकने के लिए रख देना है। और जब पक चुकी है तो इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है गाजर में, सो जैसे ही आप ऐड करोगे आपको स्मेल आएगी। और मिल्क ऐड करने के बाद हमें इसे 15 मिनट्स के लिए फिर से ढक के पकाना है, और अब इसे हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से इसका जो मिल्क और पानी है उसे अच्छे से सुखाना है। तो देखिए अब जो गाजर है वो अच्छे से ड्राई होना स्टार्ट हो गई है, सो अब ये धीरे धीरे रेडी हो रहा है हमारा गाजर का हलवा। सो इसे अच्छे से ड्राई करना है। सो इसे बीच बीच में चलाते रहना है, और फ्लेम लो रखनी है क्योंकि अब ये ड्राई हो रहा है, जल भी सकता है। सो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि इसका पानी अच्छे से सूख गया था, तो अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। सो अभी अच्छे से पक चुका है, अब इसमें हम 2 टेबलस्पून मावा ऐड करेंगे, और देखिए यहाँ पे गाजर ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो गाजर का हलवा है वो रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। सो अब इसकी गार्निशिंग करेंगे और इसको रेडी करेंगे खाने के लिए। सो अभी जो बाकी का मावा था बचा हुआ वो इसमें ऐड कर देंगे, अगर पहले ऐड कर देते तो वो मिक्स हो जाता, पता नहीं लगता, ऐसे ये इसमें ऊपर से दिखेगा भी और देखने में भी अच्छा लगेगा। और साथ में जो कैश्यू नट्स है वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद ये रेडी है। सो अब इसकी गार्निशिंग करते हैं। सो हलवे के ऊपर थोड़ा सा मावा डालेंगे, और थोड़े से कैश्यू नट्स, और ये रेडी है खाने के लिए। सो चलते हैं, अब सबके रिएक्शंस ले लेते हैं कि सबको गाजर का हलवा कैसा लगा। सो लेट्स गो फॉर द रिएक्शंस। अब ये बताएंगे मिस्टर हब्बी जी कि कैसा लगा इनको। बहुत बढ़िया। आउट ऑफ 100 कितना देंगे? 100 फिर से 100। और ये ऐसी बीच में जैनी भी आ गई है खुजली करवाने, खुजली क्वीन, थैंक यू। तो अब ये ईशार बताने जा रही है कि कैसा बना है गाजर का हलवा। And 1, 2, 3.
गरम है ओ आराम से। यम्मी लगा? सो आप मुझे आउट ऑफ 100 कितना देना चाहोगे? मैं आपको 100 में से 99 देना चाहूँगी, क्योंकि एक मार्क्स फॉर्मेलिटी के लिए काटा है। अरे ये मैम ऐसी हैं जो एक मार्क्स फॉर्मेलिटी के लिए काटते हैं सबके। जेसी वाले हमको कभी फुल मार्क्स नहीं मिलते तो आपको मतलब 99। सो आई अप्रिशिएट कि आपने मुझे इतना सा भी मार्क्स दिया है। हाँ, तो मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए कट गया, लेकिन बात वही है फुल। अच्छा मतलब फुल है। 100 on 100। ओके थैंक यू, वेलकम। ऐसे बनाते रहिए और खिलाते रहिए। थैंक यू। ओ वेलकम। हाँ जी मम्मी जी, तो कैसा लगा आपको? जोर से बोलिए। बहुत अच्छा लगा। तो आप कितने मार्क्स देना चाहेंगी? 100 में 100। थैंक यू। खाइए। सो फ्रेंड्स, आप भी गाजर का हलवा बनाइए और घर में सबको खिलाइए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कीप सपोर्टिंग मी, कीप मोटिवेटिंग मी, कीप लविंग मी, एंड थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल। बाय बाय।